सोशल मीडिया पर दोस्ती कर लड़की को बहला फुसलाकर शहर से राजस्थान ले जाने के मामले में अजनी थाना अंतर्गत ये मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस युवती को राजस्थान से वापस गृहग्राम लाने में सफल रही है। नागपुर शहर के अजनी पुलिस स्टेशन में 2 मई मंगलवार को एक 18 वर्षीय युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके तहत पुलिस जांच में जुटी हुई थी। जब गुमशुदा युवती की लोकेशन ट्रेस की गई तो राजस्थान में होने का पता चला। तत्काल पुलिस की टीम ने वहां पहुंचकर युवती को अपने विश्वास में लेकर गुरुग्राम वापस लेकर आए और जब लड़की से अधिक जानकारी हेतु पूछताछ की गई तो पता चला कि कोई लड़का उसे बहला फुसला कर राजस्थान ले गया। उससे युवती की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। वहीं उसे अपने भरोसे में लेकर युवक अपने संग उसे राजस्थान ले आया था। फिलहाल अब पुलिस इस जांच में जुट गई है कि आखिर यह युवक युवती को राजस्थान क्यों ले गया था। केस के पहले भी वह कई लड़कियों को ले गया था। इस तरह से सभी एंगलों से जांच जारी है। देखा गया है कि अक्सर नागपुर शहर से लड़कियों को अगवा कर राजस्थान ले जाया जाता है और इसी के आधार पर पुलिस वहां राजस्थान तक पहुंचती है और कड़ी मेहनत के बाद युवती को उसके माता पिता को सुपुर्द किया गया। पुलिस स्टेशन अजनी में 2 तारीख को एक मिसिंग दाखिल हुआ। वो एक लड़की मिसिंग थी, 18 ईयर्स प्लस। उसका 1 महीने पहले 18 ईयर्स उसका कंप्लीट हुआ था। वो लड़की मिसिंग होने की अपने को हमने रजिस्टर किया। उसके बाद उसका हमने लोकेशन वगैरह उसका ट्रेस आउट किया तो लड़की का लोकेशन हमको राजस्थान में मिला। तो फिर 18 ईयर्स मतलब जस्ट लड़की अपनी उम्र मतलब 16 साल के जब ये हमारे पुलिस स्टेशन में या नागपुर शहर में जो गुनाह दाखिल हो रहे हैं, कोई भगा के लेके जाने का ये जो बहुत सारे केसेस ऐसे आगे आ रहे हैं, तो ये हमने उसी को ध्यान में रखते हुए उसका सीरियसनेस देखते हुए हमने उसको तुरंत कार्रवाई उसके ऊपर की। एक हमारी टीम वहाँ भेजी राजस्थान के वो लोकेशन में। राजस्थान में पुलिस वहाँ के थाने इंचार्ज से बात हुई, वरिष्ठ अधिकारी से भी बात हुई, हमारे DCP साहब जोन 4 उनसे भी बात वहाँ के SP से हुई। इस तरह से हमने वहाँ पे एक PSI गिरगू से और WPC रुखसार और टीम के साथ हमने वहाँ लड़की को वहाँ से लेके आए। वो कुछ अलग कारण से मतलब कोई इंस्टाग्राम के दोस्ती के कारण वो वहाँ से वहाँ चली गई थी। हमने उसको समझा बुझा के यहाँ लाए हैं। अभी वो अपने पेरेंट्स के साथ है और उसको घर में वो भी खुश है। तो यही एक ये माध्यम से मैं जनता को ये भी कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा ये जो न्यू जनरेशन है वो जो इंस्टाग्राम फेसबुक और इसके जरिए से कि अपना कुछ भला या बुरा सोच नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा जागरूकता ये भी लाने की ज़रूरत है। हम तो टाइम टू टाइम पुलिस दीदी का उपक्रम है, पुलिस काका जैसे उपक्रम हम यहाँ हमेशा अपने एरिया में करते रहते हैं और बच्चों को समझाते हैं कि इंस्टाग्राम से हुई दोस्ती या रिलेशन ये कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं रहता है। तो और माँ बाप से ज़्यादा प्यार और बच्चों से कोई करता नहीं है और उनका भला बुरा है माँ बाप ही अच्छा जानते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों को और न्यू जनरेशन को ये समझाने की ज़रूरत है और हम नागपुर पुलिस हमेशा ये पुलिस दीदी के उपक्रम से हम बच्चों को और आपके माध्यम से हम ये जनता को बताना चाहते हैं। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।